Tapioca. We got Badalo Chhattisgarh. Badalo Chhattisgarh. Sathiyo, aaj Silyari gaon mein Dasiwa Vidhan Sabha mein aakar mujhe kuch alag sa anubhav ho raha. मैं अपने मन की बात को आपके साथ साझा करूंगा. छत्तीसगढ़ में मेरा आना पहली बार हुआ है और कुछ ऐसी बातें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठ के आप भारत दर्शन नहीं कर सकते. तो मैं अपने डॉक्टर संजीव साहब का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ में बुला के छत्तीसगढ़ के दर्शन कराया. उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. मेरे साथी उपाध्याय जी, मनोहर लाल जी, मुस्कुरा सिंह, महानुभावगण और हमारे दर्शिवा विधानसभा के प्रत्याशी संतोष दुबे जी और दर्शिवा विधानसभा के कार्यकर्ता, आप सबको मेरा प्रणाम. जैसा कि संकेत जी ने अपने वक्तव्य में समझाने का प्रयास किया क्यों बदलाव की जरूरत है, मन में सवाल पैदा होता है कि भाई पार्टियां तो आती रहती हैं, उनके विधायक बन जाते हैं, मंत्री आ जाते हैं, मुख्यमंत्री आ जाते हैं, कह जाते हैं कि भाई बदलाव कर दे. बदलाव होता है लेकिन बदलाव जनता का नहीं, उनका अपना हो जाता है. हम डॉक्टर अनंत सिंह हैं, उनके बेटे सांसद बन गए, उनके दामाद एक बड़े अस्पताल का उनको मालिक बना दिया गया, उनके संधि एक बड़े कमीशन के चेयरपर्सन बन गए. जनता को क्या मिला? उसी तरीके से जोगी जी एक पार्टी बनाए, उसमें उनकी आप परिवार का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनका बेटा और उनकी पत्नी विधायक है. वे कहते हैं कि जिनकी उनकी तो बहू है वो भी विधायक बनने वाली. तो भाजपा के अंदर देखिए कि भाई बेटा भी, दामाद भी, समधी भी, सब लगे लुटने में. जोगी जी तैयारी में लगे हुए हैं कि हमको मौका मिले हम भी लुटेंगे. कांग्रेस फटा पड़ा है, कांग्रेस से भाजपा हार नहीं सकती. जब कांग्रेस साथ थी तब भाजपा नहीं हारी, अब जब कांग्रेस बिखर गई है, योगी अलग हो चुके हैं, तो कांग्रेस भाजपा क्या हारेगी? सर गलत तो नहीं क्या? तो 15 साल से भाजपा इसीलिए बार बार आ रही है क्योंकि कांग्रेस में भाजपा को हटने की ताकत नहीं. इसी तरह से दिल्ली के अंदर कांग्रेस बार बार इसीलिए आ रही थी 15 साल से क्योंकि वहां के भाजपा में कांग्रेस को हराने की ताकत नहीं थी. तो किसने हराया दिल्ली में? दिल्ली में बदलाव किसने किया? आम आदमी ने किया. तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर जब भाजपा को हराने की ताकत कांग्रेस में नहीं है तो उसे हराने के लिए आम आदमी आगे आएगा जो आ चुका है. संतोष दुबे जी के रूप में दर्शवा विधानसभा को और बदलाव करने के लिए
एक ऐसा शख्स पार्टी ने चुन के दिया है जिन्होंने मौत को धोखा दिया। जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो हर तरफ कोहराम मच गया कि पता नहीं क्या होगा। तो इस शख्स ने मौत को धोखा दिया, एक महीना बिस्तर पर रहे, फिर उठ के हमारे पास खड़े हैं। और जो इंसान मौत को धोखा दे सकता है, जो मौत को हरा सकता है, वो भाजपा कांग्रेस को तो हरा ही सकता था, गलत नहीं कह रहा। लेकिन इनको दुबे जी हराएंगे तो दुबे जी अकेले नहीं हराएंगे, दुबे जी हराएंगे किसके साथ में मिलके, कार्यकर्ता के साथ में। क्षेत्र के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर कहते हैं कि खदान ही खदान है, कोयले के खदान है, बड़े 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 अच्छे अच्छे खनिज के खदान है, तो जमीन के नीचे खदान पड़ा हुआ है। तो दिल्ली से आदमी आता है, बंबई से आदमी आता है, वो खदान खोज के ले जाता है, लेकिन आपके हाथ में कुछ हाथ नहीं लगता। क्यों नहीं हाथ लगता? क्योंकि सरकारें उनसे मिली रहती है, सरकारें उनसे मिली रहती हैं, उनको पुलिस को पुलिस का प्रोटेक्शन देती है, उनको तरह तरह के तरीके देते हैं। और आम आदमी जो क्षेत्र का आदमी है, जो वास्तविक में उस खदान का मालिक है, उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तो जब ये हमने देख लिया कि अलग राज्य बन गया छत्तीसगढ़, 18 साल हो गया अलग राज्य बने, 15 साल भाजपा की सुर के, 3 साल जोगी साहब बने हुए थे, लेकिन जिन अनुमानों के साथ, जिन सपनों के साथ अलग राज्य बना था छत्तीसगढ़, वो आज सपना का सपना ही है। सुनूर ट्राइब के साथी, आदिवासी साथी, जिनको न्याय दिलाने की बात तब कही गई थी, वो न्याय दिलाना तो दूर, अन्याय की सीमा कई गुना बढ़ गया है। कहते हैं कि जिस वक्त नया राज्य बना, उस वक्त क्षेत्र के अंदर 38% आदिवासी के साथी थे, आज वो संख्या घट के 32% हो गई। तो या तो यहां से उनको भगाया जा रहा है, या उनको मारा जा रहा है। तो ये सरकारें चाहती हैं, नाम लेती है कि मैं गरीबी हटा, लेकिन करते क्या हैं? इनके हाथ से गरीबी हटती नहीं है, तो गरीब हटा देते हैं। साथ ही कहते हैं गरीबी हटाओ, करते हैं गरीब हटाओ। इसीलिए आम आदमी आज इस बारिश में, मेरी बहनें आई हुई हैं, दूर दूर के साथी आए हुए, किसान नेता आए हुए, तो जब आम आदमी ठान लेता है ना कि हम बदलाव करके रहेंगे, तो दिल्ली में ये मॉडल सिद्ध हो चुका है कि जब आम आदमी ठान ले कि जब तुझसे बदलाव ना हो चुका, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आपसे बदलाव ना हो चुका, खास आदमियों से बदलाव ना हो सका, तो आम आदमी खुद इकट्ठा होकर के, आम आदमी पार्टी बना करके, संतोष दुबे को खड़ा करके, चुनाव लड़के लड़के विधानसभा जाएगा और बरसीवा का भाग्य अपने हाथों से बदलेगा। इनके बस की बात नहीं है, पाटिल साहब के बस की बात नहीं है। इसीलिए आज ये इतनी बारिश में मीटिंग कर रहे हैं। परमात्मा भी देख रहा, परमात्मा भी इसका दृष्टा बना हुआ, कुछ घटना घट रही। साथियों, कभी मन में यह नहीं आना कि हम किसी से कमजोर हैं। दिल्ली के अंदर हमने बड़े बड़ों को, हमारे साथी आए हुए हैं आज,
नितिन त्यागी, उन्होंने एक बहुत बड़े मंत्री को दिल्ली हराया। अचार में से कई साथ मेरा ख्याल है एक आध दो साथियों को थोड़ी बहुत राजनीति का अनुभव होगी दिल्ली के अंदर, लेकिन 99% हम लोग राजनीतिक रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि नौसिखिए। लेकिन इन नौसिखियों की टीम ने बड़े बड़े सिखियों की टीम को धरातल पर आगे बताया कि बहुत ऊपर चढ़ गए थे। जनता रूपी सीढ़ी को यूज करके आप ऊपर चढ़ते गए थे और जनता को ठेला दिखा रहे थे, तो जनता ने अपनी सीढ़ी छीन कि भैया अपना हमें चढ़ाएंगे, जब तुमसे बातें नहीं बनती, तुमको मेरा कुछ समझना नहीं आता। तो अगर आम आदमी ने ठान लिया तो परमात्मा गवाह, में खुले आज खुला मैदान में बोल रहा हूं, धरसेवा की सीट आपके हो जाएगी। लेकिन लड़ना पड़े, जूझना पड़े, आंख में आंख मिला के बात करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इनके बस की बात नहीं है, इतने बुजुर्ग चाचा बैठे हैं, कई बार वोट दिलवाया होंगे विधायक साहब को, अब आंखें नम हो गई हैं, बहुत बार सुन लिया ये कर देंगे वो कर देंगे ये दे देंगे ये बना देंगे। आपका जनता का ही पैसा है, पैसा वो घर से नहीं ला रहा, अब मैं क्षेत्र का विधायक हूं अपने क्षेत्र का। संकेत भाई बोलो ने भाई साहब आपको ऑफिस नहीं, मेरा ऑफिस है, जितने कॉलेज पे आए, मैं छत्तीसगढ़ में हूं, आपकी विधानसभा से 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर दूर हूं, लेकिन इससे मेरा ऑफिस चलता, जनता फोन कर रही है, पानी नहीं आ रहा, सीवर खराब है, सड़क खराब है, बच्चे का एडमिशन कराना है, तो सबके काम हो रहे हैं इस ऑफिस से। पूछ लो भाई साहब, अगर ऐसा नेता हमारे यहां हो जाए तो मजा आ रहा है, तभी तो तुम लड़ रहे हो, क्योंकि उनसे तो ना हो पाएगा, उनसे ना हो पाएगा बदलाव, इसलिए आप कर रहे हैं कि हमारा अपना अंत जाएगा जो हमारे कंट्रोल में होगा, जिसके मन में ये भावना है कि इन्होंने बरसों लूट ली, अब हम अपने हाथों करें बरसों में। और मैं आपको वचन देता हूं दुबे जी, अगर इतने सारे साथी आपके कर्मठ हैं और इन्होंने ठान लिया है, तो मुझे लगता है जिस दिन चुनाव का परिणाम आएगा आपकी सीट उसमें आगे आगे दिखेगी। इस बात को समझिए, अच्छा आप में से कितने साथी असली मन से और पूरे मन से अपने बीच के साथी दुबे जी को विधायक बनाने आए हो, कितने साथी बनाने आए हो बताओ, तो साथियों का हाथ नहीं उठ रहा, आपका हाथ नहीं उठ रहा वैसे, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा है कि दुबे जी को विधानसभा भेजना है क्यों भेजना है बता दिया मैंने आपको, अब इनको विधानसभा भेजने के लिए जो ताकत चाहिए वो ताकत किसकी है, कार्यकर्ता की। ये संगठन, ये पार्टी, खास करके आम आदमी पार्टी का रीढ़ की हड्डी, अपने पीछे रीढ़ की हड्डी है ना, अगर रीढ़ की थोड़ी चेड़ी हो जाए तो ज्यादा बॉडी है, इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता है, इस पार्टी का नाक कार्यकर्ता है, इस पार्टी का दिल कार्यकर्ता है। क्यों? ना पैसा लेता है, ना दारू लेता है, ना बिरयानी लेता है, ना कुछ मांगता है, कुछ दे ही जाता है पार्टी को। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत गर्व करता हूं,
इस तरह के कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं मिलते। क्योंकि विधायक तो आप नाम के बनाओगे तो मेरी असली विधायक जो कार्यकर्ता होता है, विधायक चुने जाने के बाद कार्यकर्ता की हिम्मत होती है आकर के बैठा इसका काम करना है, समझे कि नहीं। और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी रहती है। जब मैं अगर आपको कभी मौका मिले जिंदगी में जिन साथियों ने मुझे काम करते देखा है क्षेत्र में, सवेरे 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक काम करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ परमात्मा सबको एक बार विधायक मेरे जैसा जरूर बनाए। क्योंकि उस दायित्व को लेने के बाद जीने के बाद मालूम पड़ेगा कि भाई कहाँ आ गए। तो दुबे जी जा रही है और ये कार्यकर्ता आपको सुनिए, तीन बातें मुख्यता बहुत जरूरी है। पहली बात, इस बदलाव की संकल्प को मन में 24 घंटे लेके चलना है कि बदलाव करने मैं आया और ये बदलाव जो हमारे उम्मीदवार मेरे सुबह जो उनके लिए नहीं कर रहे, ये अपने लिए कर रहे। इनका बड़प्पन है कि आपके नेता बनने को सुकार हो रहे हैं। ये कांटों का सेब है, आसान नहीं है। जब आपकी मांग आई ना इनके विधायक बनने के बाद तो मालूम पड़े में कहा होता है, बहुत बड़ा दायित्व है। तो इस बदलाव की संकल्प को 24 घंटे मन में रखना है। क्या कहना है कि संकल्प के साथ बरसुआ विधानसभा का विधायक मुझे बनना है, आप सबका विधायक बनना है। दुबे एक व्यक्ति का नाम है लेकिन ये व्यक्ति उस भावना का प्रतीक है जो आप सबके मन में है। तो कभी मन में ये लेकर बताना कि मैं क्यों काम करूंगा, विधायक दुबे जी बनेंगे। मन में संकल्प यह होना है दुबे जी को धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमारे आगे धन्यवाद हमने को तैयार है, लेकिन विधायक को हम सब साथ भी बन जाएंगे जैसे दुबे जी विधायक हो। पहला चीज, बदलाव का संकल्प आपके मन में इसके प्रति है कि भाजपा विधानसभा का विधायक आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनेगा और उसके जरिए हम सब क्षेत्र का विधायक बनेंगे। क्योंकि विधायक आप सब बनेंगे, इसलिए किसी व्यक्ति से किसी तरह का कोई अपेक्षा नहीं रखनी। ये हमको पैसा दे, ये हमको खिलाए पिलाए, ये हमको आने जाने खर्चा दे, क्या हो जाता नहीं। विधायक कौन बन रहा है, विधायक कौन बन रहा है, आप सब बन रहे हैं। कौन से बोलो, कौन बन रहा है, जोर से बोलो, कौन बन रहा है, आप बन रहे हो। तो ये आपका दायित्व है कि जो भी दायित्व आपको मिले उसको पूरे तन मन धन से आपको लग के करना पड़ेगा। आपको बोला कि भाई ये बूथ को संभालो, तो बूथ को संभालना, घर घर जाना, सबसे मिलना आपका अपना पर्सनल कर्तव्य हो गया। ये किसी दूबे जी के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है, मजा आ गया। दूसरा, जो भी दायित्व में जैसे कि बताया कि 25 सेक्टर में बांट रखा है, 25 सेक्टर है, 5 ब्लॉक है और कुछ कितने भैया है, 252 बूथ। तो जिसको जो दायित्व मिले उस दायित्व को हर्ष से स्वीकार करता है, ठीक है ना। कांग्रेस की तरह नहीं, अच्छा उसको पार्टी ने टिकट दिया है, बताते हैं
कांग्रेस ने जोगी जी को दिया तो दूसरी पार्टी ने उनको हराया, जब दूसरी पार्टी को दिया तो जोगी जी ने उनको हराया। अब तो जोगी जी अलग ही हो गए, अब तो कांग्रेस सुनिश्चित हारेगी। और भाजपा का हारने का कारण है कि 15 साल हो गया तो जनता के पास कोई च्वाइस नहीं है, तो आपके रूप में च्वाइस है। हमारा गोल क्या है? बदल वो छत्तीसगढ़। गोल हमारा एक, छत्तीसगढ़ कब बदलेगा? जब धरसीवा विधानसभा बदलेगी। धरसीवा विधानसभा कब बदलेगा? जब वहां का उम्मीदवार जीतेगा, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। वो कब जीतेगा? जब कार्यकर्ता काम करेंगे। और वो कब काम करेंगे? जब उनके मन में एक ही लालसा होगी, बदल वो छत्तीसगढ़, बदल वो छत्तीसगढ़। एक उद्देश्य रखना, उद्देश्य हमारा एक होना, भटकना नहीं है। नहीं चलो आज दुबे जी ने अच्छा मन से नमस्कार नहीं किया, आज काम ही नहीं किया, अरे उनके लिए थोड़ी काम कर रहे हो, काम कर रहे हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बहन बेटियों के लिए, अपने नौजवानों को नौकरी दिलवाने के लिए। कहते हो ना 2600 में और अमेरिका का काम है ना, किसने कहा? आपने कहा। तो क्षेत्र की जनता आपको पकड़ेगी, इसलिए जिताना जरूरी है, जिताना जरूरी है। तीन गुण ये जो कार्यकर्ता है जो बदलाव करेगा, एक तो उद्देश्य एक होना चाहिए। आप खुद विधायक बन रहे हो, जो दायित्व मिले स्वीकार कर लो। और ये कौन कार्यकर्ता कर पाएगा, उसमें तीन गुण होना चाहिए। पहला अनुशासन, क्या चीज? क्या बोला? क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है, अगर यहां पे बैठ के हमने जो फैसला लिया है वो फैसला अगर ठीक नहीं है तो यही कह दो, बाहर नहीं। जो फैसला लिया है, जिस भी मीटिंग में फैसला लिया है, अगर वो फैसला आपके अनुसार नहीं है तो कृपया करके आप मीटिंग के अंदर ही बता दो कि ये फैसला ठीक नहीं है। और ये फैसले के बदले मुझे लगता है कि इस तरह से होना चाहिए। लेकिन अगर एक बार मीटिंग के अंदर फैसला ले लिया गया तो आप IIT के पढ़े लिखे हो या फॉरेन से पढ़े लिख के आए हो, आपको बाहर उस फैसले से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो पहला जो है वो आगे भैया, हेलो, तो पहला जो है वो अनुशासन। जो फैसला ले लिया गया उस फैसले से पढ़कर हम नहीं है। भैया सारे साथी बैठ जाओ। हेलो भैया, यहां पे हम भाषण देने नहीं आए, इधर आ जाओ, पास में आए सारे, सभी लोग आके बैठ जाओ, ये फिर आपको नहीं मिलेगा, बैठ जाइए, सुन लो, बात मत करना कि हमें सुना नहीं था। तो पहला क्या है कि भैया डिसिप्लिन अनुशासन, जो फैसला हो गया अगर आपको फैसले से अलग होना है तो फैसले के बीच में कहना। एक बार ग्रुप ने बैठ के फैसला ले लिया कि भाई दुबे जी के लिए जो चुनाव की तैयारी करनी है उसके इसी तरह के स्टेप्स होंगे, इसी तरह के हमें फैसले लेने पड़ेंगे, यहीं बैठ के फैसला ले लिया, इसके बाद बाहर जाकर के नहीं बोलोगे नहीं वो अच्छा नहीं। फैसला मीटिंग में एक बार लिया जाता है, आपको हक है मीटिंग के अंदर अलग बोलने का, अलग विचार रखने का, लेकिन मीटिंग के बाहर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इस फैसले के साथ नहीं। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि यहां से निकले और तुरंत चले गए व्हाट्सएप वहां लिख दिया, अरे भाई दुबे जी तो ठीक नहीं फैसला ले, तो आप क्या
आप क्या कर रहे थे मीटिंग में? मीटिंग में आपको हक था बोलने, तो एक बार फैसला ले लिया गया। फैसला लेने के दौरान आपने बात रख ली, आपकी बात मानी जाए तो ठीक, आपकी बात ना मानी जाए तो ठीक, लेकिन मीटिंग के बाद फैसले से अलग होने का किसी को हक नहीं है। राजी हो इस बात से? इस बात से राजी हो? हाथ खड़ा करके बताओ ना, राजी हो तो बहुत बढ़िया। दूसरी बात, रिस्पेक्ट टू द हायरार्की, मतलब जैसे एक बूथ, बूथ के ऊपर एक सेक्टर है, सेक्टर मंडल, मंडल के ऊपर एक सेक्टर और सेक्टर के ऊपर एक ब्लॉक। तो एक बूथ प्रभारी होगा, एक मंडल प्रभारी होगा, एक सेक्टर प्रभारी होगा, एक ब्लॉक प्रभारी होगा, एक विधानसभा प्रभारी होगा, ऐसे ही ना, उसके ऊपर फिर राज्य प्रभारी होगा। तो इसी सिलसिले में चलना है। बूथ प्रभारी की ड्यूटी है कि मंडल प्रभारी की बात माने, ऑप्शन नहीं है उसमें। आप परमात्मा ने आपको मंडल प्रभारी बनाया, कल आपको बनाएगा सेक्टर प्रभारी, कल बनाया जाएगा आपको ब्लॉक प्रभारी, राज्य प्रभारी। तो हर साथी को जो जो दायित्व मिले, अपने चेन जो आपके हायरार्किकल चेन जो बना हुआ है दायित्वों का, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस सीक्वेंस को मानना बहुत जरूरी है। तो समझा नहीं आया? ये नहीं कि जी झगड़ा हो गया आपस में तो सीधे चले किससे बात करने के लिए, सबके किससे बात करें, तो भैया हम बाकी लोगों से तो बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सीधे राज्य प्रभारी से, ऐसे नहीं चले। अगर बूथ के प्रभारी हैं आप, आपके मन में कोई डाउट है तो सबसे पहले आप जाओ कहां, मंडल प्रभारी के पास। मंडल वाला कहां जाएगा? सेक्टर के पास। सेक्टर वाला कहां जाएगा? ब्लॉक के पास। ब्लॉक वाला कहां जाएगा? कहां जाएगा? विधानसभा के पास। वो कहां जाएगा? राज्य, राज्य के पास। इसको आदर करना बहुत जरूरी है। बगैर डिसिप्लिन के, बगैर आदर सम्मान के अपने नेताओं को कोई पार्टी नहीं चल सकती। हम आपस में ही लड़ बैठोगे तो दुश्मन को तैयार बैठा, बढ़िया। इनके हाथों हम हार रहे थे, ये आपस में लड़ बैठे, है ना। अरे पहले इनको विधायक तो बनने दो, ठीक समझ रहे हैं? और तीसरा राखी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपस में एक दूसरे का आदर सम्मान। हम में से कोई भी आदमी परमात्मा ने परफेक्ट नहीं भेजा। किसी को अच्छा बोलना आता है, किसी को अच्छा लिखना आता है ना, किसी को अच्छा संगठन का काम आता है, किसी को अच्छा पुलिस वाले से डील करना आता है, किसी को अच्छा स्टेज लगाना आता है, किसी को अच्छा माला खरीदना आता है, किसी को अच्छा बोर्ड लगाना आता है। हम सबके पास अपना अपना हुनर है, चलो तो नहीं कर। आप भर गए और आपको बोला जाए कि चलो आज एक भाषण, आप भाषण लिख सकते हो, बोल लिख सकते हो, अगर आपको नहीं आता तो क्या बोलोगे? भैया हमको बोलना है, हम लिख देंगे, अखबार वाले से बात कर देंगे, अच्छा आर्टिकल लिख देंगे, अच्छा कॉलम लिख देंगे, लेकिन हमको बुलवाऊंगा, हमको बोलना नहीं आता, बोलोगे बोलो, है ना। तो हमको देखना क्या है कि आपस की कमियों को छुपाना है, ऐसे नहीं। अगर आप अपने दोस्तों के दोस्त हो, अगर आप अपने साथियों के दोस्त हो, तो कमियों को छुपाओगे और
अच्छाइयों को उजागर करो, है ना? समझे? भाई आपस में परिवार के हिस्से होना भैया, परिवार के अंदर सदस्यों की कमियों को छुपाते हैं, अच्छाइयों को उजागर हैं। अगर कोई आदमी परफेक्ट हो जाता है, परफेक्ट 100% परफेक्ट, तो वो धरती पर नहीं जाता, उसको भगवान बुला लेते हैं। परफेक्ट आदमी धरती पर नहीं, सब में कोई ना कोई कमी होती है। गलत तरीका, सब में कोई ना कोई कमी होती है। परमात्मा ने परफेक्ट बनाया नहीं किसी को, परफेक्ट का पता चल जाए ओवर चल जाए खत्म हो गया काम, इसलिए धरती पर है, धरती पर रहना है, बदलाव देखना है, दस के बाद ध्यान से हम बदलाव होना है, तो हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो बाकी जो भी आपको दायित्व दे उस दायित्व को सिर भार करके मन से स्वीकार करके हम उसको पूरा करने का प्रयत्न करें। और अगर कोई साथ के साथी में कमी दिखे उस कमी को उसको अकेले में बताए, हिंदुराणी कितना, और आपके बच्चे में कमी है तो घर में अकेले होता होगा ना, नहीं कि बेटा ऐसे नहीं करना बाहर जाके, बच्चे की कमियों को कैसे बताते हो, अकेले में घर में बैठा के समझाते हो, हिंदुराणी पीटते हो उसका, हाँ उसके अच्छाइयों में हिंदुराणी पीटते हो कि मेरा बेटा अच्छा होगा, मैथमेटिक्स में गणित में 100 नंबर लेके आया, लेकिन जिसमें खराब नंबर लेके आया घर में बैठ के भले बात पीट लेते हो उसको, पब्लिक में नहीं बोलते हो, गलत नहीं क्या? तो अगर अपने साथियों को अपना मानोगे तो पब्लिक में उसकी बुराई नहीं करोगे, पब्लिक में अच्छाई करोगे, और जो उसको दायित्व मिला है पार्टी की तरफ से उसको करने में जो कमी आएगी उस कमी को आप परिवार की तरह पूरा करने का प्रयत्न करो। ठीक है, तीन चीज हो गया, पहला क्या था, पहला क्या था अनुशासन, दूसरा क्या था पार्टी के नेतृत्व के प्रति आस्था, और जो पूरी चेन है क्या बोलते सम्मान अपने नेताओं का सम्मान, मतलब बूथ वार्ड बूथ मंडल सेक्टर ब्लॉक विधानसभा राज्य, इसको सम्मान पदाधिकारियों का सम्मान करना, और तीसरा एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का साथ। जिस दिन इस आपके हर कार्यकर्ता के अंदर ये गुण तीनों गुण आ गए, तीन गुण संपन्न हो गए, तो सबसे बड़ा हथियार जो आपके पास है वो क्या है, डोर टू डोर, घर घर जाओ, घर घर जाओ, घर घर जाओ, घर घर। आपके नेता के पास पैसा नहीं है, आपके नेता के पास दारू बांटने का पैसा नहीं है, आपके नेता के पास बिरयानी बांटने का पैसा नहीं है, पैसा नहीं है बांटने के लिए, एक ही हथियार है घर घर, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डोर टू डोर, घर घर जाओ, घर घर जाओ, घर घर जाओ बदलाव लाओ, घर घर जाओ बदलाव, करना क्या हो जाए दो बातें करो। देखो नरेंद्र मोदी जी गुजरात मॉडल बेच पेच के प्रधानमंत्री बने, गलत नहीं था, गुजरात मॉडल झूठा मॉडल, किसी का भला ना हुआ मॉडल में, है तुम्हारे पास एक सच्चा मॉडल है दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो ऐतिहासिक काम हुआ है वो पूरे देश के इतिहास में आज तक किसी भी राज्य में नहीं हुआ। हर गरीब आदमी चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए, हम पेट काट के पढ़ा दें, नहीं चाहता है पे हमारे से ना हो पाया, हमारा बच्चा तो किसी के मारे बैठे, माए भूखे रहती है, पति से पैसे बचा लेती है कि बेटा का बेटी का हम अच्छी शिक्षा दे,
लेकिन शिक्षा दिलवाया तो कहां दिलवाया, स्कूलें नहीं, तो ये दिल्ली में हुआ। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों के बारहवीं के रिजल्ट आए, सुनो, लाखों रुपया खर्च करें कहां प्राइवेट स्कूलों में और रिजल्ट कहां से आ रहा है सरकारी स्कूलों से। ये किसके शासनकाल में हुआ? आम आदमी पार्टी के शासनकाल में दिल्ली मॉडल में हुआ। ठीक है, आज करीब करीब दिल्ली के हर नागरिक को एक तरह से मेडिकल का इंश्योरेंस मिला। कैसे? सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, बड़े बड़े टेस्ट पे कि 10,000 लगता है, 20,000 लगता है, सीटी स्कैन, पीटी स्कैन, बड़े बड़े टेस्ट सब मुफ्त। अस्पताल में अगर उपलब्ध नहीं है तो प्राइवेट में सरकार अपने खर्चे पे करवाती है। ये छत्तीसगढ़ में संभव नहीं है, ये दिल्ली में संभव है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर ही आम आदमियों की, आम औरतों की सरकार बनेगी। अगर यहां भी हो गया, अगर दुबे जी को आपने विधानसभा भेज दिया तो संभावना छत्तीसगढ़ में सरकार बन जाए और बनने के बाद जो परिवर्तन दिल्ली में हमने लाया है वही परिवर्तन छत्तीसगढ़ में भी आ सकता है। मोहल्ला क्लिनिक हर गांव गांव में, गांव गांव में मोहल्ला क्लिनिक बन जाए तो क्या होगा? एक तरह से सर्जरी तक मुफ्त में हो रहा है दिल्ली के अंदर, तो वही सुविधा, वही स्वास्थ्य सेवाएं आप यहां दिलवा सकते हैं। बिजली आदि भी, बिजली दिल्ली में, छत्तीसगढ़ की बिजली अपनी है, कोयला अपना है, दिल्ली की बिजली अपनी नहीं है, लेकिन दिल्ली में छत्तीसगढ़ से सस्ती बिजली है। क्यों? सरकार ईमानदार कहां दिल्ली में ईमानदार सरकार हो तो संभव है। बिजली लेकर के भी सस्ती दे रहे हैं और अनेकों ऐसे स्कीम चल रहे हैं। दिल्ली मॉडल को घर घर ले जाके बेचना है, बताना है। ये दिल्ली में हो सकता तो यहां क्यों नहीं होगा? दिल्ली जैसा सेकंड पॉइंट बताया, आधा घरों राज्य आप देखते जरूर झगड़ा चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट झंडा मारा है होगा तो बात बन रही। डोर टू डोर में जो दिल्ली मॉडल बेचना है, घर बैठ करके उनको दिल को जीत रहे हैं कि भाई साहब आपने सारी जिंदगी ता उम्र कांग्रेस भाजपा कांग्रेस भाजपा कांग्रेस भाजपा करते रहे, कोई फायदा नहीं मिला। एक बार दिल्ली मॉडल की तरह आप आम आदमी पार्टी को चुन के देखो, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे करके देखो, देखो दिल्ली वालों ने इन पे विश्वास किया, वहां बदलाव। आप विश्वास करें यहां पर, घर घर जाओ, ठीक है, समझ आ गया? कुछ आया, कुछ आया भैया, बेटा कुछ आया समझ में? और कुछ पूछना तो पूछ, लेकिन एक है होना बदल लो और कोई उद्देश्य नहीं। उस उद्देश्य के लिए विधानसभा में चुनाव करना है, विधानसभा में चुनाव करने के लिए उम्मीदवार को जिताना है, उम्मीदवार जाने के लिए कार्यकर्ता को मेहनत करनी है, तीन गुण होने चाहिए, अनुशासन, आपस में प्यार और पदाधिकारियों का सम्मान, और करना क्या है ऐसे कार्यकर्ताओं को घर घर जाना है, दिल्ली मॉडल बताना है और उनके दिल में ये विश्वास पैदा कराना है। अगर दिल्ली वालों ने विश्वास किया तो बदलाव हुआ, आप विश्वास करो बदलाव करते हैं। ठीक है, सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद भारती जी। अब इसके पश्चात सूरज उपाध्याय जी, हाँ, अब हमारे विधानसभा
के निर्णय प्रत्याशी श्री संतोष दुबे जी से अनुरोध है कि हमारे बीच कार्यकर्ताओं को संबोधित करें।